पहले शहजाद जी का मैं जवाब ले लेता हूँ। शहजाद जी जवाब दीजिए, क्या आप ईडी सीबीआई का दुरुपयोग कर रहे हैं? वजह से दिक्कत होती है। सुरेंद्र जी को क्योंकि कविताएं ज्यादा पसंद है, वो मुशायरा और शायरी भी बहुत अच्छी करते हैं, तो मैं उनके ही लफ्जों में कहता हूँ कि हम पर हो तो गुनहगार, दूसरों पर हो तो चमत्कार। क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि आम आदमी पार्टी पर जब ईडी सीबीआई की कार्रवाई होती है तो सुरेंद्र राजपूत की पार्टी पोस्टर चिपका कर कहती है हमने कार्रवाई शुरू की, बहुत अच्छी कार्रवाई हुई। उल्टे उसके बाद छत्तीसगढ़ में जब इनके मुख्यमंत्री हुआ करते थे भूपेश बघेल, वहां पर शराब घोटाले की कार्रवाई हुई तो आम आदमी पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि ईडी की कार्रवाई बिल्कुल सही, और यहां तक कह दिया कि राहुल गांधी गिरफ्तार हो जाए। और वो सारे बयान हमको याद है कि किस प्रकार से अरविंद केजरीवाल कहते थे ये सारे नेता भ्रष्ट, इनको जेल में डालना चाहिए। आज तो लालू जी कन्विक्टेड करप्ट है। चलिए बाकी सब छोड़ दीजिए, पवन मुड़ी और लालू कन्विक्टेड करप्ट है, इसमें तो कोई इफ एंड बट नहीं है। और ये 14 पार्टियां सुप्रीम कोर्ट तक गई और सुप्रीम कोर्ट तक ने कह दिया, क्योंकि हमारे साथ एक वरिष्ठ लॉयर बैठे हैं वाजपेयी जी के रूप में, उन्होंने कहा कि नथिंग डूइंग, ये सारे केस ठीक है, आप ऐसे नहीं आ सकते हमारे पास, कोई इसमें वेंडेटा पॉलिटिक्स नजर नहीं आता। परंतु मैं दूसरा सवाल पूछना चाहता हूं, उन्होंने कहा रफाल, रफाल भी तो सुप्रीम कोर्ट गया और सुप्रीम कोर्ट ने कहा इसमें कोई गलत बात नहीं है, फिर भी राष्ट्रीय सुरक्षा, देखिए किस प्रकार से अगर राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए कोई चीज होती है तो उसका विरोध। और आखिरी बात मैं कहना चाहता हूं, अरे 10 सेकंड और दे दीजिए मुझे, आखिरी बात कहना चाहता हूं। देखिए उन्होंने कहा हमारे पास बहुत मुद्दे हैं, माननीय मुद्दों पर ही तो 5 राज्यों के चुनाव हुए, बेरोजगारी का मुद्दा, महंगाई का मुद्दा देखते हुए आपकी 2 सरकारें हुआ करती थी उसको रिजेक्ट किया, हमारी 1 सरकार 18 साल के बाद भी कंटिन्यू करती है। मैं पूछना चाहता हूं मुद्दे हैं तो सनातन को गाली देने का काम उदयनिधि से लेकर आरजेडी के नेता करते हैं, क्या कार्रवाई की? उसके अलावा आपने जिस प्रकार से ओबीसी करते हैं, आज बताइए ओबीसी की जाति पर, कुर्मी जाति पर किसने सवाल खड़ा किया? रेवांत रेड्डी ने कहा कुर्मी जाति जो होता है वो कमतर होता है। तो बताइए मुद्दे अगर है तो कभी नॉर्थ साउथ में बांटना, कभी सनातन को गाली देना, कभी जाति का कार्ड खेलना, और जाति के कार्ड पर खेलने के बाद हमने मोहन यादव जी को बनाया, आपने रेवांत रेड्डी को बनाया जिसने ओबीसी को गाली दी, तो ये आपका असली चरित्र है सुरेंद्र राजपूत जी? सुरेंद्र राजपूत जी देखिए, अब हम जिसको कहते हैं ना कि ये शहजाद भाई हैं आज की डेट में सत्ता के अहंकार में बोल रहे हैं, हमने तो छोटी बात कही कि भाई ईडी के जरिए आप ऐसा करते हैं, हम तो कहते हैं ईडी के केस लगाइए आप, 60 दिन में अगर ईडी में जो है चार्जशीट दाखिल कर दें, साल डेढ़ साल में मुकदमा फाइनल हो जाए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आप हेमंत सोरेन को फंसाते हैं 2008 के केस में, आप तेजस्वी यादव जब 8 साल का था तब उसके केस में फंसाते हैं, उनके पिताजी के लैंड फॉरेस्ट स्कैम में। आप हमको ये बता दीजिए कि सारे के सारे केसेस में ईडी जब केस क्लोजर कर चुकी होती है तब आप क्यों फंसाते हैं? और दूसरा, जो लोग आपके यहां चले जाते हैं जैसे नारायण राणे साहब हैं, छगन भुजबल साहब हैं, अजीत पवार साहब हैं, इनकी फाइल ईडी के यहां से गायब हो जाती, इनकी फाइल नहीं मिलती, ईडी कोर्ट में कहती है कि साहब फलानी फलानी फाइल अब गायब हो गई है इसलिए केस बंद कर दिया जाए। आप इधर उधर की बात करने की जगह आप सत्ता में हैं शहजाद साहब, आप हमसे डरिए मत, आप तो मैं आपको बताता हूं एक चीज समझ लीजिए कि जनता इस बार झूठ पर नहीं सच पर बात करेगी। सुरेंद्र जी मैं जवाब लेता हूं, शहजाद पूनावाला जी देखिए एक सवाल जो सुरेंद्र राजपूत जी उठा रहे हैं, झूठ मत बोलिए, जो तमाम नेता कांग्रेस छोड़कर आते हैं बीजेपी में फिर कांग्रेस से कह रहे उनके ऊपर तो कोई एक्शन फिर लिया नहीं जाता है। देखिए विशाल जी, मैं आपको स्पेसिफिकली क्योंकि उन्होंने छगन भुजबल का नाम लिया, छगन भुजबल के केस में एसीबी 2013 में जब पृथ्वीराज चव्हाण मिनिस्टर थे, चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने बंद करवाया, क्लोजर रिपोर्ट दिया है। मैं फैक्चुअली आपको बता रहा हूं, प्रताप सरनायक का आपको उदाहरण एक और देता हूं, प्रताप सरनायक हमारे साथ है, उससे पहले उद्धव सेना में थे, तो टॉप्स का केस ईओडब्ल्यू मुंबई ने एमवीए की सरकार में बंद किया, हमारी सरकार में आने के बावजूद भी हमने 2022 दिसंबर को चेक कर लीजिए, ईडी ने जाकर कहा हाईकोर्ट से नथिंग डूइंग केस क्लोज नहीं होगा। मैं और एक उदाहरण देता हूं, मुकुल रॉय हमारे वाइस प्रेसिडेंट बने फिर भी सीबीआई ने जांच की, आज मुकुल रॉय वही टीएमसी में चले गए, क्यों ले लिया उन्होंने? और मैं फिर से दोहरा रहा हूं, इन्होंने ना आम आदमी पार्टी पर जो कार्रवाई हुई जिसको इन्होंने स्वीकारा उस पर कुछ बोला, ना लालू जी की कन्विक्शन पर कुछ बोला। परंतु मैं एक सवाल उनसे पूछा जाता हूं, लैंड स्कैम के बारे में उन्होंने कहा, लैंड फॉर जॉब स्कैम, मान्यवर आप ही की सरकार थी यूपीए 2 की जब ममता दीदी रेल मिनिस्टर थी, उन्होंने शुरू किया, ललन सिंह जी ने कंप्लेंट दी, अब बताइए कि ममता बनर्जी ने उस समय पर शुरू किया था तो बताइए कि उसको आगे क्यों नहीं ले गए, और उल्टा ये कैसे केस चलाते थे? मुलायम सिंह यादव जी पर डिस्प्रोपोर्शनेट एसेट्स केस उन्होंने डाला, डिस्प्रोपोर्शनेट एसेट्स केस जब उन्होंने डाला मुलायम सिंह जी ने कहा कि ये दुरुपयोग हो रहा है, हमारी सरकार आई उसमें कुछ तथ्य नहीं था तो उसको क्लोज किया गया, अगर हम मिसयूज कर रहे होते तो वो केस क्यों क्लोज करते? चेक कर लीजिए, सारी एक्चुअल बातें मैंने कोट की, परंतु मुझे बता दीजिए आप सुरेंद्र राजपूत जी कि आम आदमी पार्टी पर जो केस चल रहा है वो सही है गलत है, या आपकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस दिल्ली से हुई वो गलत है? चलिए मैं कांग्रेस से जवाब लूंगा, लेकिन हमारे साथ दो और मेहमान जुड़े हुए, कंचना यादव यहां पर आरजेडी की प्रवक्ता है। कंचना जी, यही सवाल आपसे, क्योंकि
प्रधानमंत्री मोदी ने और अमित शाह ने आज बताया कि कैसे उनकी सरकार ओबीसी को लेकर काम कर रही है। 27 मंत्री सरकार में ओबीसी से हैं और इसके अलावा पूरे तमाम अपनी नीतियां गिनाई कि ओबीसी के सम्मान के लिए इन लोगों ने क्या काम किया। तो कैसे देखते हैं आप ओबीसी की जो लड़ाई है, चाहे आपने जातीय सर्वे का मुद्दा उठाया और बीजेपी भी उस मुद्दे को बहुत अच्छी तरह से उठा रही है। देखिए, मैं यहाँ शहजाद जी के लिए कुछ कहना चाहती हूँ। किताब आपको किस मुंह से जाओगे, गाली शर्म मुझको मगर आती नहीं। इन लोग को शर्म नहीं आती। पहली बात कि भाई आप ये बता दो कि आज आप ईडी सीबीआई परिवारवाद है ना, वही घिसा पीटा मोदी जी का भाषण पे बात कर रहे हो। आप थाना पे बात कर लो ना, आप बात कर लो जो आप 4,000 करोड़ रुपए डकार गए उसकी बात कर लो। आप उस पर एक भी डिबेट नहीं किया। कंचना जी प्रधानमंत्री तो अपनी पार्टी की बात कर रहे हैं, बीजेपी की। वो अपनी पार्टी की तमाम चीजें गिना रहे हैं, वो विपक्ष पर आरोप लगा रहे हैं। जो कोई भी पार्टी होगी एक दूसरे के खिलाफ तो आरोप लगाती है, लेकिन आपका जो इंडिया गठबंधन बना था, जिसके मुखिया नीतीश कुमार एक तरह से उन्होंने इसकी शुरुआत की, वो आपको छोड़कर चले गए। कांग्रेस पार्टी की यात्रा जहां से शुरू हो रही, जहां जहां राहुल गांधी के पैर जा रहे हैं, वहां वहां से कोई ना कोई तो साथ छोड़कर जा रहा है। कैसे लड़ाई लड़ेंगे आप, आधार कैसे बनाएंगे? सवाल को कितना ट्विस्ट कर लो और बीजेपी मुद्दे को कितना भटका ले। कंचना जी देखिए, सवाल पूछने को आप ट्विस्ट करना कह देंगे, सच्चाई से आपको हमारा सवाल ट्विस्ट लग सकता है, लेकिन सच्चाई से मुंह कैसे मोड़ पाएंगी? जो सच है वो दिख रहा है। परीक्षा हुआ 60,000 मात्र पोस्ट पे 50,00,000 लोग युवा भीड़ लगाकर बैठे हुए। कैसी सरकार अपने 10 साल में चलाई महाराज, कैसी सरकार चलाई? 2 करोड़ की नौकरी कहां गई? आज युवा बेरोजगार है, आज बेरोजगारी इतने चरम पर है, महंगाई इतने चरम पर है कि लेकिन इस पर मुंह नहीं खोलेंगे। अरे गोला फेंक रहे ये लोग, आंसू गैस फेंक रहे किसानों पर, शर्म आनी चाहिए। देखिए, अगर इन मुद्दों को आपको जनता के बीच लेकर जाना चाहिए, बचेगा कुछ नहीं बोलने के लिए। कंचना जी, मुद्दों को लेकर आपको जनता के बीच जाना चाहिए। लेकर हम जनता के बीच में है सर, जनता के लिए बीच में है और जनता के लिए हम काम कर रहे हैं। यहाँ पर एक वाजपेयी जी बैठे हुए हैं, मुद्दे की लड़ाई हम 2020 में लड़े थे और 2024 में फिर से मुद्दों पर ही चुनाव लड़ेंगे। 2025 लेकिन मुद्दे तो गायब दिख रहे हैं वाजपेयी साहब। हम मुद्दे पर चुनाव लड़ते हैं, आपको यहाँ पर समझा देते हैं। मुद्दे हैं कौन से? नहीं विशाल जी, इनसे पूछो मुद्दे हैं कौन से। मुद्दे हैं बेरोजगारी की, अभी इन्होंने बात की है, बैठे हुए सुरेंद्र राजपूत जी हमारे भाई हैं छोटे, 11.4% थी कांग्रेस के रिजिम में और अब हमारे उसमें 8.5% है। ये रिकॉर्ड की बातें बता रहा हूँ मैं। और समाज का कौन सा ऐसा वर्ग है जिसके लिए काम नहीं कर रही है सरकार? किसानों की बात करते हो तो किसानों में छोटे किसानों के लिए 2,68,000 करोड़ रुपया प्रधानमंत्री सम्मान निधि 14 किस्तों में जा चुकी है। उनको भी मकान मिलते हैं प्रधानमंत्री योजना के, उनको भी शौचालय मिलते हैं प्रधानमंत्री योजना के, उनको भी सब्सिडीज मिलती है। और किसानों के पेंशन किसने दिया आज तक, जरा पूछिए इनसे। ये पहली बार सरकार ने किसानों को पेंशन देनी शुरू किया, पहली बार सरकार ने रेड़े पटरी वाले ये जो लगाते ना दुकानें छोटी छोटी, उनको 50,000 रुपए कर्ज देने की व्यवस्था की है। पहली बार इस सरकार ने आदिवासी के बच्चों को पढ़ाई के लिए, शिक्षा के लिए 18,000 करोड़, मतलब मैं गिनाता रहूंगा आपको तो प्रोग्राम का समय भी खत्म हो जाएगा, कितने काम गिनाऊं। देखिए, कौन सा सेक्टर है जिस सेक्टर में इस सरकार ने काम नहीं किया और उसी का रिजल्ट है, परिणाम साथ साथ है, जनता महसूस कर रही है। इसीलिए बार बार 19 में जिताया, अब भी जिताएगी। चलिए वाजपेयी जी, फिर आऊंगा। सुरेंद्र राजपूत जी, राज्यों में भी अभी 3 राज्यों में जिताया।